वेलकम टू द चैनल CSIR नेट लाइफ साइंस। तो कल आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा होगा कि CSIR के लिए फॉर्म निकल आए हैं जून 2022 के। तो अब आपको ये याद रखना है कि फॉर्म या रजिस्ट्रेशन करते समय आपको क्या गलतियां नहीं करनी है और किन गलतियों को अवॉइड करके आप फॉर्म ठीक तरीके से फिल करें, क्योंकि इस बार कुछ गलतियां जो भी होंगी तो आपको उनको सुधार करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस बार करेक्शन फॉर्म में आप नहीं कर पाएंगे। तो एक ही बार में आप सही फॉर्म भरिए और सही तरीके से इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आप फॉर्म को ठीक तरीके से भर सकते हैं। तो जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिली थी पुरानी वीडियो में, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो खुल जाएगी। इस तरीके से आप फ़ोन पे भी डेस्कटॉप मोड ऑन करके ये खोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हैं, एक तो कैंडिडेट एक्टिविटी, साथ में ऊपर भी ये लिखा है रजिस्ट्रेशन। तो आप कहीं से भी क्लिक करेंगे आप जनरली रजिस्ट्रेशन की लिंक पे आप पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए, ये आ गया जॉइंट CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन June 2022। तो ये जो वहाँ पे रेड कलर की जो लिंक दी है रजिस्ट्रेशन के लिए, उस पर आप क्लिक करेंगे, फिर रीडायरेक्ट कर लेंगे इसको। अब ये देखिए, ये आपके स्टेप्स हैं। पहला आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं। साथ में इसके एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा, फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, आपकी सभी डिटेल्स, आपकी एलिजिबिलिटी, आपके सर्टिफिकेट्स, फोटोग्राफ, साइन, सारे आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन फ़ी फिल करनी होगी। तो या फिर जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो वो दोबारा एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ से फॉर्म खोल कर अपना वापस, अगर वो चाहे पेमेंट नहीं पे की है तो वो कर ले, या उसने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया है तो वो फिल कर सकता। तो हम लोग क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस, हाँ ये तो एक है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो बातें याद रखने के लिए हैं, वो तो पहले तो सबसे पहले ये हमें पता ही है कि ये फॉर्म ऑनलाइन है, ठीक है, और जो उसकी वेबसाइट है वो CSIR.NET.NTA.NIC.IN है। उसके बाद जो इसकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो कितनी होगी, जर्नल और EWS के लिए 1000, OBC के लिए 500 और SC/ST और थर्ड जेंडर के लिए 250 और PWD के लिए 0 रुपीज़, मतलब कि उनकी कोई फ़ीस नहीं है। कुछ GST अप्लाई होगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे। तो फिफ्थ पॉइंट है जो याद रखने के लिए, जो कि है कि जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट करनी होगी, या तो आप नेट बैंकिंग से कर लें, या डेबिट कार्ड से, या फिर क्रेडिट कार्ड या UPI से भी कर सकते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ये तीन स्टेप्स बहुत अच्छे से ध्यान देते हुए करना है, कि जो रजिस्ट्रेशन है, आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उससे आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, जैसा कि हर फॉर्म में होता ही है। साथ में आपको जो पासवर्ड बनाना होगा वो आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन को चूज़ करके आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। बस आपको वो सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर जो है वो याद रखना होगा, ताकि आपको फर्दर लॉगिन करने के लिए जो डिटेल्स चाहिए पड़े तो आप अपने एप्लीकेशन और पासवर्ड से निकाल सकें, फॉर एग्ज़ाम्पल एडमिट कार्ड, या फिर आपको अपना रिज़ल्ट निकालना होगा, तो इसलिए आपको ये डिटेल्स याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है नेक्स्ट, कि जिस भी पेपर के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी आपके पास पूरी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ेंगे, अगर आप कैटेगरी से हैं तो, PWD से हैं तो, और अगर आप किसी थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो आपको रिज़ल्ट अवेटेड का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। उसके लिए ये जो जितनी भी चीज़ें अपलोड करनी होंगी वो सारी JPG फॉर्मेट में करनी होंगी। फ़ोटो और जो साइन होगा वो 10 से 200 KB के बीच, सिग्नेचर जो होगा वो 4 to 30 KB, और अगर हम लोग बात करेंगे सर्टिफिकेट्स की तो वो होंगे 10 KB to 300 KB तक। अब जो सबसे इसकी मेन बात ये है कि इस बार आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी करेक्शन के लिए,
तो इसलिए एक ही बार में आप सारी चीज़ें सही डालिए, जैसे कि आपके सर्टिफिकेट्स और आपके जो भी डिटेल्स वो मांग रहे हैं आपको एक बार में ठीक डालनी है, वरना आपका एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा और आपका फॉर्म हो सकता है रिजेक्ट भी हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ी करनी है। आप किसी भी मोड के ज़रिए आप अपना पैसे पे कर सकते हैं। लास्ट में स्टेप है, पासवर्ड के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि पासवर्ड बनाते समय वही कि अपर एक तो आपको पासवर्ड याद रहना चाहिए, जब आप लॉगिन करें तो फिर आपको लॉगआउट भी याद से करना चाहिए। उसके बाद जब पासवर्ड बनाएं तो कोई भी एक एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, जैसे CS हो गया, IR या आपने कैपिटल ले लिया, स्मॉल में नेट ले लिया, अब इस और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ले लीजिए और साथ में 1, 2, 3 या कोई भी नंबर आप जो चाहें वो तीन, इन तीनों से मिलके अपना पासवर्ड बना सकते हैं। तो ये आपके इंस्ट्रक्शंस हो गए। उसके बाद आपको SMS से वेरिफिकेशन कोड आएगा और आप इस तरीके से रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अब जैसे ही आप जो 11th पॉइंट के बाद इस पर क्लिक करते हैं तो आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना, आफ्टर दैट ये आपका फॉर्म पूरा खुल जाएगा। तो आपको यहाँ अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, DOB ध्यान से डालिए, करेक्शन नहीं हो पाएगा, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप में आप कोई भी ले सकते हैं, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ले लीजिए, पासपोर्ट, वोटर ID, राशन कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस और द अगर कोई अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी है तो वो भी आप डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, ठीक है, उसका नंबर, प्रेजेंट एड्रेस एंड कंट्री आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फिर उसके बाद आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस और उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, कोई भी अल्टरनेटिव भी एक डाल सकते हैं उसके बाद, और कंफर्म करना, फिर उसके बाद हाँ ये अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर है, साथ में परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप सेम एस पे क्लिक कर देंगे, और सिक्योरिटी क्वेश्चन, और ये जब सिक्योरिटी पिन आप डाल देंगे और सबमिट करेंगे तो आपका पासवर्ड आपको जनरेट हो जाएगा। और जो भी आपका पासवर्ड या आपको पासवर्ड या एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा वो आपको आपके फ़ोन में SMS से आ जाएगा। अगर इसके बाद भी आपको फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट सेक्शन में ये मैसेज या कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं कि उस पर भी एक वीडियो बनाई जाए, तो फिर आपको ये फॉर्म पूरा भर के भी दिखा दिया जाएगा। बाकी आपको बस मेन यही बातें याद रखते हुए अपना फॉर्म भरना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और साथ ही साथ इसके साथ कुछ एक जो इसका टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे नेट के रिगार्डिंग फ्री क्विजेज भी होती हैं, तो आप वो भी ज्वाइन इसलिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कई सारे PDF और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।